हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका पेशेंस ख़त्म होता है अब, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेके आ चुकी हूँ कि चने की दाल से और कौन सी रेसिपी बनाई जा सकती है। तो चने की दाल का जैसे कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में और यहाँ पे कि कितना अच्छा डिलीशियस नाश्ता बनके तैयार हुआ है, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके सामने लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी के इसको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोई हुई ये जो चना दाल थी वो पहले भिगो दी थी मैंने। उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ। उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे 2-3 पानी में। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है जो कि इसका सारा स्टार्च है वो आसानी से निकल जाए। उसके बाद हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है और जार में हमें ये सारी जो दाल है वो हमें डाल देनी है। और थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करने के लिए, मतलब थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए हमें इसमें डालना है गार्लिक। तो गार्लिक मैंने डाली है यहाँ से 4 से 5 कर लिया। और डाला है यहाँ पे जीरा, तो 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने जीरा। और हल्का सा डाला है मैंने पानी, जिसकी इससे जो पेस्ट बने एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हो, बिल्कुल भी हमें तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए हमें पानी बिल्कुल डालना ही है यहाँ पे। तो 2-3 स्पून के करीब आपको पानी डालना है, तब आपको इसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद फिर हमें इसको दूसरे बाउल में खाली कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया रेड चिल्ली पाउडर, ग्रीन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा टर्मिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, तो ये सब हमने ऐड कर लिया है। और हमें ऐड करना है यहाँ पे अमचूर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, मतलब जो भी आपके पास स्पाइसेस हो वो सारे आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे ख़ास कर ध्यान रखना है कि हमें काली मिर्ची का फ्लेवर इसमें अच्छे से देना है, तो हमें काली मिर्ची यहाँ पे क्रश करके अच्छे से हमें डाल लेनी है। और इसको अच्छे से फैट लेना है, मतलब मिक्स, पहले तो हमें मिक्स करना है, उसके बाद हमें अच्छे से फैट लेना है। और फैटने के बाद हमें छोटे छोटे पीसों में कट करने हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। तो जो छोटे छोटे पीसों में आलू कट किए थे वो मैं यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे डाल लूँगी। और उससे पहले मैंने यहाँ पे डाला है प्याज, तो प्याज भी मैंने छोटे छोटे पीसों में कट किया था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल लिया है। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाला था कट करके। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ टमाटर, टमाटर को भी हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। आलू भी डाल देंगे यहाँ छोटे छोटे पीसों में कट करके। और आपके पास और भी वेजेज अगर आप खाना चाहते हो, आप ग्रीन चिली ऐड करना चाहते हो, तो आप ग्रीन चिली भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हो और आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, वेजेज नहीं खाते हैं, तो प्रॉपरली आप इस वाली डिश में, इस वाली रेसिपी में आप सारी सब्जियां उनको खिला सकते हो। तो इसलिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये रेसिपी एक बार इस डिज़ाइन से इसको बना के दोगे बच्चों को, तो आपके बच्चे बहुत आसानी से इसको खा पाएंगे। तो उसके बाद हमें एक पैन लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, उस पर डालना है थोड़ा सा बटर या ऑयल। फिर उसके बाद हमें ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको अच्छे से हमें तवे पर फैला लेना है। फैलाने के बाद इसको हमें अच्छे से फैलाना है, ताकि मतलब जो ना तो ज़्यादा एक तरफ से थिक हो ना एक तरफ से मोटा हो, मतलब बिल्कुल ही जो है वो चारों तरफ से बिल्कुल क्वली हो। उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाना है। और ढककर पकाने के लिए फिर हमें इसको पलटना है। तो पलटने के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है, उसके बाद हमें पलट लेना है। पहला जो आपका बनेगा तो वो आपका थोड़ा सा चिपक सकता है, तो सेकेंड बारी में आपका बहुत अच्छे से बनेगा। तो अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। तो आप कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बता सकते हो कि नेक्स्ट रेसिपी मैं कौन सी लेके आऊँ। तो गाइज, ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, तो ये हमको केचप के साथ सर्व कर सकते हो आप इसको। तो गाइज, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को याद से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो।